जिस कल्प वृक्ष का जिक्र ग्रंथों और पुराणों में है वो आज भी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के केसला थाने में मौजूद है। बताया जाता है कि कल्प वृक्ष करीब 500 साल पुराना है। वैसे तो लोग पुलिस थानों में कदम रखने से गुरेज करते हैं, लेकिन इटारसी अनुविभाग के केसला थाने में लगा प्राचीन कल्प वृक्ष चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश में इसके दर्शनों के लिए यहाँ से लोगों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। थाने के टीआई आशीष कहते हैं, आए दिन लोग इस वृक्ष के दर्शन करने आते हैं और इस पेड़ की पत्तियां व फूल ले जाते हैं। केसला थाना परिसर स्थित ये कल्प वृक्ष, मैं पिछले 2-3 महीने से यहाँ पदस्थ हूँ। यहाँ के लोगों की काफी धार्मिक भावनाएं यहाँ जुड़ी हैं। बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उसमें से एक कल्प वृक्ष था, और इसका ना तो बीज होता है, ना कोई पौधा, ना कलम, ये स्वयं ही प्रकट होता है। और यहाँ के पुराने बुजुर्ग गांव के बताते हैं कि ये लगभग 400 वर्ष पुराना है, और कल्प वृक्ष के परिक्रमा करके जो मनोकामनाएं की जाती हैं वो पूरी होती है। वेद पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। मेरा नाम मोहिता तिवारी है और मैं यही लोकल से हूँ, केसला से ही। और यहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ है, तो यहाँ पर और राम मंदिर भी है, तो यहाँ पे ऐसे ही ग्यारस के दिन आने का जैसे बहुत महत्व है। तो ग्यारस के दिन इसलिए कि यहाँ पर राम मंदिर और केसला में एक ही मंदिर है ये, और ये कल्प वृक्ष का जो पेड़ है ये बहुत प्राचीन पेड़ है। तो इसकी भी एक स्टोरी है कि ये मीन्स बहुत अच्छा मतलब माना जाता है हिंदू धर्म में, और इसका ऐसा भी है कि ये शायद ऐसा सुना हुआ है कि इंडिया में शायद कहीं पर भी नहीं है, ये शायद दो जगह पर है, एक यहाँ पर एक हिमालय पर है शायद। तो ऐसा ही तो ये वृक्ष और काफी साल पुराना भी है ये वृक्ष। समुद्र मंथन के समय में ये कल्प वृक्ष की उत्पत्ति जो भी है ये रामायण महाभारत गीता पुराण सभी जगह इसका लेख लिखा हुआ है, परंतु ये अपने यहाँ इंडिया में केवल बताते हैं कि तीनों जगह इसकी उत्पत्ति है, एक त्रिवेंद्रम में है, एक गया जी में है और एक यहाँ है केसला में। परंतु ये इसकी उम्र अभी आकली गई है, तो बताते हैं फॉरेस्ट विभाग के हिसाब से कि इसमें प्रतिवर्ष एक परत बनती है, जिसमें एक परत से आकलन किया गया है तो ये 500 साल करीब इसकी उम्र। वेद पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त ये वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में की थी। कल्प वृक्ष का वनस्पतिक नाम एडेन सोनिया डिजिडाटा है। इसकी ऊंचाई आयु के अनुसार बढ़ती रहती है। इसकी पत्तियां गहरी नीली नरम, फूल सफेद और फल पीले होते हैं। इसकी आयु 2000 से 2500 वर्ष होती है। मान्यता है कि साल के 9 महीने इसकी पत्तियां नहीं रहती और इसके बीज औषधीय गुणों से भरपूर हैं। फल में विटामिन बी और सी होता है। इसकी पत्तियां जटिल रोगों के इलाज में कारगर मानी जाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नर्मदापुरम से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।